हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो है आपकी, वो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 3y। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 2x है एक ही जगह, तो 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, वाई स्क्वायर, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 थी 12, तो 12xy, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। सेकेंड हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस वाले में यहाँ पर जो है सिर्फ ये माइनस आएगा, बाकी सेम है पूरा। तो यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन हमारे पास होता 5m माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस है तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a की जगह हमारे पास ये हो गया, b की जगह हमारे पास 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू है 5m, b की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ करेंगे 5 दुनी 10 या 30, 30m। तो ये हमारे पास हो गई सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड देखते हैं, थर्ड वाली जो आइडेंटिटी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आती है, जो होती है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है, जैसे कि है 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये होगा हमारा 4x का स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ऐसा उल्टा भी हो सकता है, मतलब ये पहले दिया हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना हो, जैसे कि 4x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो होती है a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी होती है a क्यूब, यहाँ प्लस का ले लेते हैं पहले, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास पांचवी आइडेंटिटी हो जाएगी माइनस में, a माइनस बी का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सिक्स्थ आइडेंटिटी जो है हमारे पास वो होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर तीन टर्म दे रखी है तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। सेवेंथ आइडेंटिटी देख लेते हैं, ये होती है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब की। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है हमारी वो होगी एट्थ, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
ए बी करके, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो सी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 दे रखा है, हमें 1/x प्लस 1/y इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए 1/x प्लस 1/y, अगर इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो नीचे एक्स वाई आएगा, वाई से मल्टीप्लाई वाई, और एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स, मतलब ऊपर हमारे पास एक्स प्लस वाई हो गया, नीचे एक्स वाई हो गया। हमारे पास एक्स प्लस वाई तो वैल्यू दे रखी है लेकिन एक्स इंटू वाई की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगी, देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 9, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 29, तो 29 प्लस 2xy इक्वल टू 9 हो गया, तो 2xy इक्वल टू 9 माइनस 29, 2xy इक्वल टू माइनस 20, तो xy की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 20 अपॉन 2 करेंगे तो माइनस का 10, ये हो गई। तो हमारे पास जो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू है वो क्या है, ये इक्वल है हमारे पास x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई के, तो इसकी वैल्यू तो है हमारे पास 3 और इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस 10, तो 3 अपॉन में माइनस 10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर a माइनस भी दे रखा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है बस यहाँ a माइनस भी दे रखा है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है, हमें 1/a माइनस 1/b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 1/a माइनस 1/b, इसका अगर हम नीचे एलसीएम ले तो a इंटू बी आएगा, तो b को 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b, a को इससे करेंगे तो माइनस का a हो गया, बट यहाँ तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है और ये आ रहा है b माइनस a, तो इसको माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये a माइनस बी हो गया और नीचे a इंटू बी हो गया। तो यहाँ पर भी पहले a इंटू बी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सेम वही करेंगे, a माइनस बी आपको दे रखा है 7, तो स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 49, इसकी वैल्यू 29 दे रखी है, माइनस 2ab इक्वल टू 49, तो माइनस 2ab इक्वल टू 49 माइनस 29 हो गया, माइनस 2ab इक्वल टू 20, तो ab की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 10, माइनस 10 आ गया। तो अब हमें वैल्यू यहाँ पर रखनी है माइनस का a इंटू बी, ए माइनस बी अपॉन में a इंटू बी, तो माइनस ये दे रखी है वैल्यू 7 और a इंटू बी आ रही है 10 माइनस का, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 7 अपॉन में 10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अभी भी सेम ही है क्वेश्चन, ठीक है, x माइनस वाई 4 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई की, ठीक है, तो x माइनस वाई 4 दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 10 दे रखा है। अब x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के, ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है बट x इंटू वाई की वैल्यू नहीं है, तो वो वैल्यू हम निकालेंगे जो हमें x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 4, तो ये x माइनस वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2xy इक्वल टू 16, तो ये 10 है, तो 10 माइनस 2xy इक्वल टू 10 16, तो माइनस 2xy जो आया हमारा 16 माइनस 10 करा तो 6 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 3, x इंटू वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 3, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे पास है 10 और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस 3, तो 10 माइनस 6 4 आ गया, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो आया 4 आया है, ठीक है, ये स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट 4 जो कि आएगा 2 के इक्वल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो है ये भी सेम क्वेश्चन ही है, एक्स प्लस वाई हमें 2 दे रखा है, एक्स इंटू वाई दे रखा है 3/4, हमें निकालनी है एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई का क्यूब की वैल्यू,
तो एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई का क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, ठीक है। एक्स इंटू वाई की वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी, जो हमें ये दे रखा है एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे रखी है टू, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू फोर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है प्लस टू इंटू एक्स वाई की वैल्यू है चार, दो बट्टे तीन बट्टे चार, और ये चार कैंसिल करा ये दो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो होगा फोर माइनस थ्री बाय टू, क्योंकि तीन बट्टे दो उधर आके माइनस में हो जाएगा। तो दो एलसीएम जो हो गया आठ माइनस तीन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी पाँच बट्टे दो, ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तीन बट्टे चार इसकी वैल्यू है और पाँच बट्टे दो इसकी वैल्यू है, तो ये हो जाएगी हमारे पंद्रह बट्टे आठ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में बोला है 3m माइनस वन बाय 3m की वैल्यू जो है 3 दे रखी है, हमें m स्क्वायर प्लस वन बाय 81 m स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 3m माइनस वन बाय 3m इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, बट हमें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ 81 चाहिए नीचे, तो 81 के लिए यहाँ पर हमें 9 बनाना पड़ेगा। उसके लिए करेंगे हम दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाए 3x बाय 3 हो गया, 1 बाय 3m इंटू 3 आ गया इक्वल टू 3 बाय 3 हो गया। तो ये आएगा हमारा m है ये, तो m माइनस 1 बाय 9m इक्वल टू 1। अब स्क्वायर कर देंगे हम दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 बाय 9m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 1 बाय 9m इक्वल टू 1, ठीक है। तो m से तो m कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 बाय 81 m स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 9 इक्वल टू 1। इसको हम ले आएंगे इस तरफ, तो हमारे पास जो m स्क्वायर प्लस 1 बाय 81 m स्क्वायर की वैल्यू है वो आएगी 1 प्लस 2 बाय 9। एलसीएम ले लेंगे तो 9 आया, 9 एकम 9 और 2 11 बट्टे 9 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 होल 2 बाय 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें x इंटू वाई 6 दे रखा है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ये 63 के इक्वल दे रखी है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ, ये एक्स वाई कॉमन आएगा इनमें से, एक्स बचा यहाँ वाई बचा, अब इनमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो वन कॉमन आएगा, एक्स प्लस वाई हो गया इक्वल टू 63। तो इसको लिखेंगे तो एक्स वाई प्लस वन एक्स प्लस वाई 63, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास, यहाँ पर जो है x और y की वैल्यू दे रखी है 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 63 अपॉन में 7 किया तो 9, ठीक है। मतलब x प्लस वाई जो है हमारे पास आया 9। अब इसका स्क्वायर करूँ अगर मैं दोनों तरफ, क्योंकि हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू 81। अब एक्स वाई की वैल्यू तो हमारे पास है, ठीक है, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 81, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 81 माइनस 12, 11 में से 2 गए 9, 7 में से 1 गया 6, तो 69 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।